स्टेशन में उतरे रात के 2:30 बजे। उसके बाद स्टेशन में कुछ देर वेट किए और उसके बाद स्टेशन से कैब पकड़ के तेंजिन नोर के जो बस स्टैंड है उधर आए। उधर से गवर्नमेंट का बस जो है वो हम लोग पकड़े हैं और बस से हम जा रहे हैं कार्शियंग। तो इधर में हॉल्ट दिया है ब्रेकफास्ट के लिए, तो अभी ब्रेकफास्ट खाएंगे और कितना प्यारा नज़ारा है वो भी थोड़ा देख लीजिए। नहा धो के हम निकल पड़े हैं। आज के पहला दिन है हमारा तो साइट सीन करने के लिए। पहले हम जा रहे हैं चिमनी गांव। चिमनी गांव उनका नाम इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश पीरियड का एक बहुत बड़ा चिमनी उधर है और वो थोड़ा छोटा वो लोग पार्क बनाया हुआ है, तो कोविड की वजह से वो बंद था। अभी जाके देखेंगे कि वो खुले है या नहीं। अभी चिमनी जाने के रास्ते में ये एक स्पॉट है जहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा है और नीचे उस तरफ एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से इधर का लोकल ट्रेन भी चलता है। जैसे कि आप लोगों को कहा था कि हम आए हैं चिमनी हेरिटेज गार्डन, वो रहा वो चिमनी। ये क्या था, ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश लोग यहाँ पे एक डाक बंगलो बनाए थे, तो पूरा डाक बंगलो तो डिमोलिश हो गया है, सिर्फ यही एक चिमनी है जो अभी तक रह गया है। तो थर्सडे को ये गार्डन बंद रहता है सो हम अंदर नहीं जा पाए, बाहर से ही देख रहे हैं। और गार्डन अच्छा है, बहुत अच्छा है और चारों तरफ का सीनिक ब्यूटी भी बहुत अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, हम बाकी का भी देखेंगे। हाँ, हर चीज तो थर्सडे को बंद नहीं रहेगा, लेकिन लोकल लोग बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डिक्लेयर किया गया है कि थर्सडे को उनके अंदर में जो भी गार्डन है जैसे डियर पार्क है, म्यूजियम है, वो ये लोग बंद रखेंगे। ये नियम वो लोग कोविड सिचुएशन के बाद चालू किए हैं। चलिए, हमको तो लगा था कि सभी बंद पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ खुला रहेगा, तो जो खुला रहेगा वो देखेंगे और बाकी को हम बाहर से ही देखेंगे। ये जो देख रहे हैं ना, ये प्लांट ऑर्किड का है और हम आए हैं कार्शियंग। कार्शियंग को बोले जाते हैं कि लैंड ऑफ वाइट ऑर्किड्स। यहाँ पे बहुत तरह तरह के ऑर्किड्स मिलता है, वो भी प्लांटेशन नहीं होता है, खुद अपने आप ही इधर ये ऑर्किड मिलता है। एक और स्पॉट जहाँ हम आए हैं और ये पूरा बंद है। ये पार्क बेसिकली बच्चों के लिए है, उनके एम्यूजमेंट के लिए हर एक राइड यहाँ मौजूद है। अगर बच्चे इधर आते हैं तो बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन शायद वो थर्सडे को बंद रहता है और बाकी हफ्ते में
बाकी दिन खुला रहता है। बुद्धिस्ट लोग मानते हैं कि ये करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो सारे पूरी होते हैं। तो काश हम लोगों का भी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। यही श्रद्धा या यही चिंता से सभी को माना जाता है। अभी हम जहाँ आए हैं ये जगह है विक्टोरिया बॉयज स्कूल, और कहा जाता है ज्यूमर्स है कि ये हॉन्टेड प्लेस है। अभी गुनगुनी सी ठंडा है और हमें भी थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है। अभी दिन के टाइम है तब भी ऐसा लग रहा है। सोचिए अगर रात का टाइम होता तो क्या सीन होता, बहुत डर लगता है। मुझे इतना पसंद आया। कुछ देर पहले आपको कहा था कि वो स्कूल हॉन्टेड है। सिर्फ आप देखिए ये जगह पूरा, ये भी देख के लग रहा है पूरा डरावना। सोचिए अगर इस पेड़ के बीच से जब फॉग अंदर आता है पूरा सब ढक देता है तो कैसे स्केरी लगता है। बहुत बहुत पसंद आया और थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है ये भी है। अगर कोई हॉरर फिल्म का क्लाइमेक्स इस लोकेशन में शूट किया जाता है तो 100% चांस है कि वो क्लाइमेक्स पूरा सुपर हिट होगा। अभी इधर में ना बाहर धूप है लेकिन ये इतना डेंस फॉरेस्ट है कि लाइट अंदर नहीं आ रहा है, इसीलिए इधर में ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ हम आए हैं, ये घर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भैया शरद चंद्र बोस के घर। तो ये अभी गवर्नमेंट की तरफ से म्यूजियम कर दिया गया है और वो लोग जो भी चीज इस्तेमाल करते थे वो सब इधर रखा गया है। नहीं देखने हम आए हैं, अंदर शायद फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो ऊपर जाके ही पता चलेगा। अगर अलाउ करता है तो आपके साथ शेयर करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इस जगह से नीचे पूरा काशियांग सिटी दिखता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत ध्यान से एक तस्वीर बनाई है।
आए हैं साइट सीन करने के लिए और ये भैया बहुत अच्छे से हमको चारों तरफ घुमा रहे हैं। अगर आप कभी कश्यप आए हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा ये पूरा जगह आपको दिखाएंगे। और इनका जो फोन नंबर वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, काशियोंग का हमारा पहला दिन यही ख़त्म होता है। कल आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। सो देखते रहिए।